सफर भी रहा बहुत जबरदस्त, और कैसी रही जर्नी आइए सोनी से ही जानते हैं। बिग बॉस सीजन 8 ने लगा दी है क्या सोनी की बात? ना ना, बिल्कुल भी नहीं, कोई वाट नहीं लगी। आई थिंक हम सब ने मिल के ऑडियंस की वाट लगाई, क्योंकि वो हो गए थे कि भैया यहाँ तो हम साथ साथ हैं, चल रहा है, क्या हो गया है, ये कैसा सीजन आया है, यहाँ पे दोस्ती हो गई है, यहाँ पे रिश्ते बन गए हैं, तो उनके दिमाग की वाट लग गई थी कि हो क्या रहा है वहाँ पे। जेन्युइनली ऐसा नहीं कि शायद कि वहाँ रहना है तो हम सब एक दूसरे को रिश्ते बना रहे हैं, वहाँ जेन्युइनली आप रिश्ते बन जाते हैं, क्योंकि आप सोचो आप सुबह से लेकर रात तक, आप तो शायद वो एक घंटे के एपिसोड देखते होंगे, हम एक एक पल वहाँ पे क्रॉस करते हैं, एक एक टास्क, एक एक चीज़, एक एक बाथरूम शेयर करना आपस में एक दूसरे को, मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ हाइड नहीं हो सकती, जैसे कैमरे से नहीं हो सकती वैसे आपस में एक दूसरे से नहीं हो सकती, तो आई डोंट थिंक सो वहाँ पे किसी की वाट लगी है। तो कितने रिश्ते बने, कितने बिगड़े वहाँ पर? मेरे रिश्ते किसी से नहीं बिगड़े, मेरे रिश्ते बहुत बने। मैंने एक बहुत, जैसे कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं जब वहाँ गई तो मैं एकदम से थोड़ा सा ऐसे अकेला सा महसूस करती थी, क्या है क्या है। तो जब मैं उपेन को, मैं यूपिन बोलती हूँ क्योंकि उसे चिढ़ाने के लिए, और उसे बहुत गुस्सा आता है मैं यूपिन जब उसे बोलती हूँ, तो जब मैं यूपिन से मिली, जैसे उसकी बातें थी अबाउट कि आप जितना सोचो यूनिवर्स वैसा रेडी कर देता है, तू अपसेट मत हो, तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे भाई की तरह बातें करता है, तो मेरे लिए एक मेरे भाई का रिप्लेसमेंट वैसे वहाँ पे। फिर चीज़ें बनती गई, बढ़ती गई, मैंने हम दोनों बहुत करीब आए, और उसके लिए मैं, जब उसने मुझे बताया कि जिस 7 साल से जो अपनी बहन से बात नहीं कर रहा है, अब मैं सेम उसकी तरह दिखती हूँ, उसको मारूंगी बाहर आके, उसने फ्राइडे के दिन मुझे क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया। सो ये चीज़ें थी कि बहुत सारे इमोशन जब मैं बह गई थी, बहुत सारा रोती थी, परेशान मम्मी डैडी को। इस बात के लिए काफ़ी घर के लोगों ने भी और बाहर के लोगों ने भी अलग बातें बनाई, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब उपेन और तुम्हारे बारे में? वो तो मैंने फ्राइडे के दिन ही क्लियर कर दिया था कि वो उनकी सोच है और वो मेरी सोच है। मैं आज आई तो मेरी फैमिली ने कहा कि उनको मेरे पे भरोसा है या फिर उन्हें वो चीज़ पर ख़राब नहीं लगती। सलमान जी ने कहा कि ऐसा मुझे नहीं लगता, तो फिर दुनिया सोचे नहीं। टास्क के बारे में बात करें तो कौन सा टास्क करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, कितना एंजॉय किया? सारे टास्क सच में बहुत अच्छे थे, क्योंकि ये सारे टास्क कुछ कुछ सिखा के गए। अगर आपकी फेस पे मिर्ची लगती तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट थी, 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 थी। फिर उसके बाद हमारा वो डेविल वर्सेस वो था, वो भी बहुत मस्त टास्क था। फिर आर्या वर्सेस लांबा वाला वो था, वो भी बहुत अच्छा था। डाइंड्रा स्वीट्स और गौतम मिठाई वाला, वो भी बहुत अच्छा टास्क था। और उसके अलावा पता नहीं आपको, और छोटे छोटे टास्क भी हमारे अंदर बहुत होते थे। प्रीतम वाला फ़ोन कॉल भी एक किया था, जो भाभियों को कॉल करता है, सब भाभियाँ बन के बैठी हुई थी, जो नॉमिनेट लड़कियाँ थी वो भाभियाँ बन के बात कर रही थी, तो आई डोंट नो कि वो दिखाया है कि नहीं। तो हमने बहुत सारे अलग भी टास्क किए हैं, जो बहुत, ये जो डेडली फाइट वाला, इसके अलावा भी बहुत सारे फन टास्क थे। मैं आज अपने भाई से पूछे तो उसने कहा कि ये नहीं, तो मैं हैरान हो गई कि ऐसे कैसे ये वाले टास्क नहीं दिखाए हमारे अंदर, हम खुद से टास्क बनाया भी करते थे, क्योंकि फर्स्ट 2 वीक्स हमें बिग बॉस की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी, हमें कुछ टास्क नहीं मिलता था। प्लेन में रहना ज़्यादा अच्छा लगा या बिग बॉस के घर में जाके ज़्यादा अच्छा लगा? प्लेन में, प्लेन में एक वो एक अलग से हमने अपना अपना एक घर बना लिया था, और वहाँ बहुत, वहाँ पे ऐसा लगता था कि हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास ही बैठे हुए, यू नो, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत मिस करती हूँ। बिग बॉस के घर से अब किसे मिस करोगी, मतलब अब आप बाहर आ चुकी हो, और पहली चीज़ आकर क्या की, क्या फ़ोन उठाया, घर में मिली, क्या किया सबसे पहले बिग बॉस के? मैंने बाहर आके सबसे पहले अपने घर के लैंडलाइन पे फ़ोन किया, मम्मी से बात की, मम्मी को मैंने बोला पहचानो कौन, तो मम्मी कौन मम्मी, फिर मेरी मम्मी को मैंने कहा अरे मैं बोल रही सोनी, तू कैसे बाहर आ गई थी, ये था। फिर मैंने अपने भाई से बात की, तो ये मेरा फर्स्ट कॉल था, घर पे फ़ोन किया, और मैंने रास्ते में कुछ नहीं खाया, मैंने ये था कि मैं घर जाके खाऊंगी। काफ़ी खाना पीना काफ़ी मिस किया है लग रहा है।
मैंने आके प्रिंगल्स खाई, चीज़ खाया, मेरी जो मेरी सारी फेवरेट चीज़ें चॉकलेट, मैंने सब खाया। बॉस की घर की कोई ऐसी चीज़ क्या, एक कोई ऐसी चीज़ जो मिस करने वाली हो आप? सुबह उठ के डांस करना मेरे वो गाने के साथ। आज मैंने बहुत मिस किया जब मैं सुबह उठी, क्योंकि जब मैं उठती थी मैं और सुशांत सुशी हम लोग सबसे ज़्यादा डांस करते थे, तो मैं वो सबसे ज़्यादा मिस करूँगी जब मैं, क्योंकि वो एक पल होता था जो सब साथ में नाच रहे होते थे। उन्हीं के हिसाब से क्या लगता है कि कौन बनेगा बिग बॉस का विनर या कौन आगे तक जाएगा स्ट्रॉन्ग करने? अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी बहुत सब स्ट्रॉन्ग हैं, कभी पल भर में कोई थोड़ा सा कम भी दिखता है, कभी कोई स्ट्रॉन्ग भी दिखता है, तो अभी कहना मुश्किल है। मैं शायद इसका जवाब अभी नहीं। किसे देखना चाहोगी आगे तक, टॉप थ्री? मैं देखना चाहूँगी, ऐसे तो मैं सब पॉसिबल नहीं है, सभी मेरे करीबी मेरे दोस्त हैं, पर मैं देखना चाहूँगी सुशांत को, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा लड़का है। करिश को देखना चाहूँगी, करिश्मा युपिन, क्योंकि वो मेरा भाई है, मेरे करीब है, और डाइन वो भी बहुत अच्छी लड़की है। ये लोग जो है ना, ये अच्छे लोग हैं, अच्छे दिल के, तो मैं इन लोगों को देखना चाहती हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? जो मेरे दोस्त हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मुझसे वैसे ही प्यार करते रहें, और आप लोगों ने जितना मुझे सेव करने की कोशिश की मुझे पता है, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू फॉर कैमरा मैन पुनीत के साथ।